إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الله تعالى في القرآن الحكيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا तमाम तारीफ बुजुर्गी बड़ाई किबरियाई हमदो सना अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक और ज़ेबा है जिसने तनहा इस कायनात को बनाया। बेशक वही खालिक है, वही मालिक है, वही राज़िक है। सुबहानल्लाह व बिहम्दिही सुबहानल्लाहिल अज़ीम। बेशुमार दुरूद व सलाम नाजिल हों हमारे तमाम अंबिया इकराम पर, बिलखसूस हमारे आखिरी नबी व रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जिनके ज़रिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस दीन को मुकम्मल किया और हमारी हिदायत और रहनुमाई फरमाई। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अल्लाहु बारिक अला मोहम्मद व अला आली मोहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आली इब्राहिम इन्नका हमीदुन मजीद। अजीज़ साथियों, मैंने अभी आप हजरात के सामने कुरान मजीद की एक बहुत मशहूर सूरे का एक आयत का एक टुकड़ा पढ़ा है। इंशाल्लाह आज इस जुमे के खुतबे में मैं आप हजरात के सामने ख्वातीन और हमारी घरों की सलाह, इस पर इंशाल्लाह कुछ बातें आप हजरात के सामने रखने की कोशिश करूंगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब को हक बोलने, हक को सुनने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। आयत करीमा का तर्जुमा यह है, या अय्युहल लज़ीना आमनु, ए वो लोगों जो ईमान लेकर के आए हो, क़ू अन्फुसकुम व अहलीकुम नारा, पहले तो अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप ये जान लीजिए कि दुनिया में बेशुमार नेमतों से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको नवाजा है। कुरान हकीम में ही अल्लाह रब्बुल आलमीन ने दूसरे मकाम पर इरशाद फरमाया है, इन तउद्दू नेमतुल्लाहि ला तहसूहा, अगर तुम अल्लाह की नेमतों का शुमार करना चाहो तो शुमार नहीं कर सकते। उन तमाम नेमतों में एक नेमत जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे हिस्से में रखी, वो है ईमान की नेमत। ईमान की दौलत, ईमान की नेमत सबसे बड़ी नेमतों में से एक नेमत है। इससे कीमती कोई चीज़ नहीं। अभी जान लीजिए, जिसकी जेब में पैसा ना हो उसको चोरी होने का कोई डर नहीं होता है। जिसके घर में माल दौलत ना हो उसको कोई डर नहीं होता है कि दरवाज़ा बंद है या खुला है। लेकिन जिसके पास माल दौलत होता है वो ताले लगाने के बाद भी एक बार चेक करने के लिए जाता है
कि आया दुकान का, मकान का, हमारे गेट का ताला बंद है या नहीं बंद। अब आप समझ लीजिए सबसे कीमती चीज़ आपके पास ईमान है, तो इतनी कीमती चीज़ अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपके हिस्से में दे दी, आपको मैसर हो गई, अल्लाह रब्बुल आलमीन की तौफीक से आपको हमको मिल गई, तो क्या इसकी हिफाजत हम नहीं करेंगे? बेशक करेंगे। जितनी कीमती चीज़ है उतनी ही ज़्यादा उसकी हिफाजत ज़रूरी है। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, ए ईमान वालों, ईमान तो ला चुके हो, अपने आप को, ईमान लाने के बाद अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आज हम देखते हैं कि मुआशरे में फसाद है, बिगाड़ है, बेपर्दगी है, बेहयाई है, हर चहार जानिब बेईमानी है, भ्रष्टाचार है, लूटपाट है, धोखाधड़ी है, जालसाजी है, पूरा समाज इसमें मुलव्वस है, क्या मुसलमान और क्या गैर मुसलमान। ऐसे माहौल में हमारी और आपकी बतौर ईमान, बतौर मोमिन हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम समाज की इस्लाह का बेड़ा उठाएं, हम मुआशरे को सही करने का, उसको सुधारने का, उसको अच्छे से चलने का ज़रिया बने। हम मुआशरे की इस्लाह तभी कर सकते हैं जब हमारा घर इस्लामी हो, सही हो। इस्लाह का काम हमारे घर पे हो चुका हो तब हम मुआशरे की फिक्र करें। मुआशरे में हम आप बसते हैं, मुआशरे में तीन तरह के लोग होते हैं, एक मर्द होते हैं, एक औरत होती है और बच्चे होते हैं, बस इन्हीं तीन लोगों से मुआशरा बनता है और हमारा घर भी उन्हीं से बनता है। मुआशरे की इस्लाह से पहले हमको अपने घर की फिक्र होनी चाहिए, हमारे घर इस्लामी है या नहीं, क्या हमारे घर बिगाड़ से पाक हैं, धोखाधड़ी से पाक हैं, क्या हमारे घरों में बेईमानी नहीं है, क्या इस्लाह का काम हो चुका। अगर हो चुका है तो आप मुआशरे में निकलिए। आज जो मेरा मौजू है, चूँकि हमें मालूम है, हम सब इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि हमारे घरों में बिगाड़ है, हमारे घरों में इस्लामी तालीम मफकूद हैं, पाई नहीं जाती। ईमान की दौलत होने के बावजूद अगर हम नारे जहन्नम में गए या हमारे घर वाले नारे जहन्नम में गए तो बहुत ही अफसोसनाक बात है। ईमान लाने के बाद मोमिन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो अपने और अपने घर वालों की रखवाली और हिफाजत करे जहन्नम की आग से। ऐसे कोई आमाल खुद ना करे ना होने दे जिससे ऐसा लगे कि ये जहन्नम में जा रहा है ऐसे आमाल करके। ईमान की दौलत सबसे बड़ी दौलत है, उसकी हिफाजत हमको किससे करनी है? शैतान से करनी है। शैतान खुला हुआ दुश्मन है, वो हमारा ईमान कमज़ोर करता है, हमारे ईमान में कमी लेकर के आता है, हमारे ईमान को मजबूत और मुस्तहकम नहीं होने देता है। यही वजह है कि हम तो ईमानदार नज़र आते हैं लेकिन हमारे घरों में ईमानदारी का ताना बाना ढीला नज़र आता है। हमारे घर तब तक सही नहीं होंगे जब तक हम सही नहीं हो सकते, हमारे घर का माहौल तब तक दुरुस्त नहीं हो सकता जब तक कि हम दुरुस्त ना हो। हम चाहें कि हमारे घरों में इस्लामी माहौल आ जाए तो सबसे पहले अपने आप को इस्लामी माहौल में ढालना पड़ेगा। इसीलिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा, या अय्युहल्लज़ीना आमनु कु अनफुसकुम, अपने आप को जहन्नम की आग से बचाओ, वह अहलीकुम नारा, उसके बाद तुम्हारे घर वालों की जिम्मेदारी तुम्हारे ऊपर है, पूरे मोहल्ले का, पूरे समाज का और पूरे मुल्क का और पूरी दुनिया का ठेका आपको अभी लेने की जरूरत नहीं,
आपके ठेके में आपका घर आया है, आपकी जिम्मेदारी में आपका घर आया है। घर की इस्लाह कैसे हो? घर की इस्लाह होती है घर वालों से, और घर वालों में सबसे पहले मर्द आते हैं। क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान हकीम में मर्द को जिम्मेदार बनाया है। अर्रिजालूना कवामूना अलन्निसा, मर्द हजरात जो हैं ये औरतों पर क्या है, निगरान, हाकिम नहीं। जिन लोगों ने तर्जमा कर रखा है कि मर्दों पर, औरतों पर मर्द हाकिम है, गलत किया, निगरान है, हिफाजत की जिम्मेदारी है उनके ऊपर। इसीलिए कहते हैं कुरान को समझना है मनहजे सलफ की रोशनी में, अहादीस की रोशनी में। अगर आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस को पढ़ेंगे मफहूम वाज़े हो जाएगा। अगर आप कुरान को अपनी अकल में समझेंगे आप मुतशाबिहात में पढ़ जाएंगे, आप गलत राह इख्तियार कर सकते हैं, आप दूसरी तरफ निकल सकते हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस देखते हैं। अल्लाह के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कुल्लु नफ्सिन मिन बनी आदम सैयदुन व रजुलुन सैयदुन लि अहलिही व इमरातुस सैयदतु बैतिहा। बहुत सारे लोग एतराज़ करते हैं कि इस्लाम ने औरतों के कवानीन छीन लिए हैं, उनको बुरक़े बंद कर दिया है, उनको घरों में बंद कर दिया है। क्या एतराज़ सही है? अगर हम खामोश हैं तो एतराज़ सही है, इसका जवाब देना चाहिए। कुरान की आयत कहती है कि हमने औरतों पर मर्द को निगरा बनाया है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि बनी आदम का हर एक इंसान, हर एक जानदार सरदार। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस क्या कहती है? कुल नफ्स में बनी आदम सैयदुन, बनी आदम का हर इंसान, हर शख्स सैयद है। इंसान में औरतें भी आती हैं, इंसान में मर्द भी आते हैं। अगर कोई कह रहा है कि इस्लाम में औरतों के कवानीन जब्त किए गए हैं, उनको नीचा किया गया है, उनके हुकूक दबाए गए हैं, तो गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़माने मुबारक से कह रहे हैं कि इंसान, जो भी इंसान है, सब सरदार है, इसमें औरतें भी आती हैं। आगे वजाहत की, फरजुन सैयदुन लियाहदी, फरजुन सैयदुल याहली, आदमी जो है वो अपने घर का सरदार है। मर्द हजरात खुश हो जाए वो अपने घर के सरदार है, और ख्वातीन हमारी खुश हो जाए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको भी इस जुमले में शामिल किया है। वमरातु सैयदु बैतिहा, वमरातु सैयदतु बैतिहा, और जो औरतें हैं ये शौहर के घर की सरदार हैं। बाहर की जिम्मेदारी, घर में राशन कहाँ से आएगा, घर का खर्चा कैसे चलेगा, बच्चों को एजुकेशन कैसे दी जाएगी, बच्चों को कहाँ पढ़ाया जाएगा, कैसे उनका बंदोबस्त किया जाएगा, सारी जिम्मेदारी सरदार की है, मर्द की है। और घर के जितने भी उमूर हैं, बच्चों की परवरिश, बच्चों की तालीम, बच्चों को सिखाना, बच्चों की अखलाकी तालीम, घर में कौन सी चीज़ ज़्यादा है, कौन चीज़ कम है, इन सारी चीज़ों की, ये जो उमूर ख़ानदानी होते हैं, जो घरेलू उमूर होते हैं, इन सब की सरदार है कौन? हमारी ख्वातीन, औरतें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा नहीं कि हुकूक उनके दबा लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो औरतों के लिए रहमत बन करके आए थे, सबके लिए रहमत बन के आए थे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान में कहा कि वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नासि बशीरन व नज़ीरा, एक और जगह पे कहा वमा अरसलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन, तमाम आलम के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रहमत बना करके भेजा। तो तमाम आलम में हमारी ख्वातीन भी आती हैं। आपको पता है ज़माने जाहिलियत में लोग जिंदा दरगोर कर दिया करते थे, जिंदा दफन कर दिया करते थे लड़कियों को, बच्चियों को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर के वो मिजाज बनाया, वो माहौल बनाया, और वो तालीमात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिलवाई कि आज बच्चियां सेफ हैं और हिफाजत से हैं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहादीस हम पढ़ें बच्चियों की तरबियत के लिए, हमारी बच्चियों की तरबियत के लिए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत सारी बशारतें दी। पहले क्या होता था दौर जाहिलियत में, बच्ची जब पैदा होती थी
लोग मिट्टी में दबा देते थे, बच्चा जब पैदा होता था तो उसको जिंदा रखते थे, इतना मायूब मानते थे। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहसिन इंसानियत की बैसत इसीलिए हुई कि तमाम रहमत आलम पर, तमाम आलम पर रहमत कर सकें, वो सबको बराबर के हकूक दे सकें। एक और हदीस देखते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा वराजुलुन राइन अला अहले बैतिही, इंसान जो है मर्द कौन है, अपने घर वालों पर राइन है, निगरान है, जिम्मेदार है। वल मरातु रायतुन अला बैत ज़ौजिहा व वलदिहा, और औरत जो है वो अपने घर पे और अपने बच्चों पर निगरान है, जिम्मेदार है। पता ये चला कि इंसान जो मर्द हजरात हैं वो रोजी रोटी कमाने के लिए, हलाल रिज़्क तलाश करने के लिए उनकी जिम्मेदारी है, घर में कुछ कम ना पड़े, घर में नानो नफका कम ना पड़े, ये जिम्मेदारी मर्द की है। और घर के माहौल की तमाम जिम्मेदारियों की सरदार और जिम्मेदार और निगरा हमारी ख्वातीन, वो हमारे घर की रानियां हैं, वो हमारे घर की निगरा हैं, जिम्मेदार हैं। अच्छा घर तभी होगा जब हमारी आपकी ख्वातीन, हमारे घर की माएँ, हमारी बहनें ये अच्छी हैं, इनकी तरबियत अच्छे ढंग से हो। क़ुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलाम, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मुतहरात को ख़िताब किया और फरमाया या निसान नबी लस्तुन्ना का हद मिन निसाई इत्तकैतुन्ना फला तखज़ाना बिलकौली फ़ैत माल लदी फ़ी कल्बिही मर्दुन वकुलना कौलन मारूफा। सूरह अहज़ाब की आयत है कि ए नबी की औरतों, तुम आम औरतों में से कोई औरत नहीं, अगर तुम तकवा इख्तियार करो, इन तकैतुन्ना, अगर तुम परहेजगार बन जाओ तो परहेजगारी का तकादा यह है कि तुम अपनी बातों में नरमी छोड़ दो, अपनी बातों में नरम मिजाजी छोड़ दो, और इतनी भी सख्त मिजाज न बन जाओ, वकुलना कौल मारूफा, बल्कि भली बात को। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी, हमारे माएँ थी, वो वाकई परहेजगार थी, इसमें कोई शक की बात नहीं, कोई गुंजाइश नहीं। अल्लाह रब्बुल आलमीन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अज़वाज मुतहरात को ख़िताब करते हुए तमाम ख़वातीन को ख़िताब किया है, जैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारे लिए आइडल और नमूना बनाया गया, इसी तरीके से हमारी उम्मातुल मोमिनीन को, हमारी माओं को, हमारी ख्वातीन के लिए नमूना और आइडियल बनाया गया। जो उन पर बातें लागू होती हैं वही हमारी मुसलमान औरतों पर, बच्चियों पर, लड़कियों पर ये बातें नाफिज होती हैं। क्या कहा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कि तुम नरम बात किसी से मत करो, बात करनी है सख्ती से बात करो, तुम्हारी नरम मिजाजी नहीं होनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें कहा है फ़ैत माल लदी फ़ी कल्बी मरदुन, ऐसा ना हो जिसके दिल में कोई रोग है, कोई तमन्ना है, वो आपकी बातों में आ जाए। आपकी बात दावत नहीं होनी चाहिए, नरम बात आप किसी गैर से, किसी अजनबी से नहीं कर सकती हैं, सख्ती से बात कीजिए ताकि जो उसके दिल में ख्यालात उभर रहे हैं वो दब जाए। और इतनी भी ना आप सख्त बोलिए कि आपको लोग कहे बदमिजाज औरत है वो, बल्कि कौल मारूफा, नरमी से अच्छी बात कीजिए लेकिन सख्ती से, गैर से, शौहर से सख्ती नहीं करनी, गैर से। पहली बात ये पता चली कि हमारी ख्वातीन के अंदर जो बातचीत का मिजाज होना चाहिए वो सख्त होना चाहिए गैरों से, ऐसा ना हो कि वो बात किसी से करें तो ऐसा लगे कि वो दावत दे रही हैं। और आगे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा वकरना, दूसरी जगह पर वकरना फी बुयूतकुन्ना, और अपने घर में टिक करके रहो। लोग इल्ज़ाम लगाते हैं कि मुसलमानों ने ख्वातीन को घर में बंद कर दिया, मुसलमान कौन होते हैं ख्वातीन को घर में बंद करने वाले। अल्लाह रब्बुल आलमीन का फरमान है वकरना फी बुयूतकुन्ना, अपने घरों में चिपक करके रहो, अपने घरों से चिमटी रहो। वला तबर्रुजना तबर्रुजल जाहिलियत उला,
और देखो जाहिलियत में जैसा सस्ती समर्थी थी तुम, बना सिंगार करती थी तुम, वैसे अब नहीं कर सकते। पहले क्या होता था, बनाओ सिंगार करके दावत, वो लिबास ही ऐसा होता था, वो जीनत ही इसलिए अख्तियार होती थी कि लोग हमको देखें और हमारी तारीफ करें और हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, हमारे तरफ खींचते लोग चले आए, क्या खूबसूरती है, ऐसा है वैसा है, न जाने कौन कौन सी बातें लोग करें। कहा घर में टिक करके रहो, अगर कहीं जाना भी हो तो पूरी तरीके से नकाब में, पूरी तरीके से पर्दे में। पहली चीज बातचीत, दूसरी चीज पर्दा। मैं नहीं कहता हूं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं कह रहे हैं, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है हमारी औरतों के लिए, हमारी ख्वातीन के लिए, हमारी माओ और बहनों के लिए, कि वो घर में टिक करके रहें, अगर कहीं जाना भी पड़े मजबूरन तो वो पर्दे में, पूरा पर्दे का ख्याल करते हुए। ये नहीं कि वो आए हैं हमारे बेटे जैसे हैं, बेटे जैसे हैं, बेटा नहीं है, जिससे पर्दा है उससे पर्दा, और जिससे पर्दा नहीं है उससे पर्दा नहीं। ये नहीं कि ये हमारे घर बहुत आते हैं, ये तो बड़े मौलाना साहब है, और ये तो हमारे पीर साहब हैं, और इनके तो हम हाथ पैर धुलते हैं, नहीं पता ही नहीं, गैर महरम तो गैर महरम, पर्दा है तो है पर्दा। वह अकीमन सलात, हमारी औरतें कैसी हों, नमाज कायम करने वाली, घर में टिकने वाली, जाहिलियत का फैशन ना करने वाली। आज क्या होता है, अकीमन सलात, नमाज कायम करने वाली हूँ, चार मेहमान आ गए, जोहर की नमाज गई, हमारी ख्वातीन चाय बनाना है, खाना बनाना है, रोटियां बनानी है, वगैरह वगैरह, लाख बहाने हैं, लाख बहाने। अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने कौन सा बहाना पेश करेंगी आप? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने वैसे ही महीने में आपको कुछ छुट्टियां दे रखी हैं, उनके अलावा आपको नमाज की पाबंदी करनी है, जैसे मर्द हजरात करेंगे वैसे ही औरतें करेंगे, अब कोई इम्तियाज नहीं, कोई फर्क नहीं। हमारी ख्वातीन कैसी हों, नमाज पढ़ने वाली हों, पच वक्ता नमाजन हों, नमाजी हैं, दीनदार हैं, नमाज पढ़ती हैं, लेकिन निकाह का जब मौका आता है और घर भर जाता है, जब सब कुछ करने की जगह रहती है, नमाज पढ़ने की जगह नहीं रहती, कहीं निकाह हो गया, दो चार दिन के लिए गए, नमाजें आपकी गई। वाकिमन सलात, नमाज को कायम करने वाली हो। हमारी ख्वातीन अगर, हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बीवी अगर नमाज नहीं पढ़ेंगी, हमारी बच्चे कैसे पढ़ेंगे? हमारी माओं के अंदर, बहनों के अंदर, बीवी के अंदर अगर पर्दा नहीं होगा, हमारी बच्चियाँ कैसे पर्दा करेंगी? अम्मा आप तो करती नहीं हैं, आप तो करती नहीं हैं, हमसे बताती हूँ नकाब ओढ़ लो, ये है वो है, आपने तो जवानी। और सुनिए आज का माहौल कैसा है, सीधे बच्चियां जवाब देती हैं, आपने तो अपनी जवानी अच्छे से गुजारी है, हम पर पर्दा लागू हो गया, अब आप दीनदार हो गई। जब तक खुद दीनदारी नहीं होगी, तरबियत सही नहीं होगी, आपको अपने बच्चों से ताने सुनने पड़ेंगे। आज बेपर्दा होकर के अगर कोई मुस्लिम लड़की टिकटॉक पे डांस कर रही है तो गलती किसकी है? हमारी है, हमारी ख्वातीन की है। मोबाइल दे दिया हिफाजत करने के लिए, मोबाइल दे दिया, स्कूल जाती हो, कॉलेज जाती हो। इससे पहले भी लड़कियां होती थी, ऐसा नहीं कि 10-20 साल में लड़कियां पैदा होने लगी हैं और उससे पहले लड़कियां नहीं होती थी, हिफाजत कौन करता था? कि आपने मोबाइल को खुदा बना लिया ना उज़बिल्ला, कि ये मोबाइल हिफाजत करेगा? अरे वो एक और बहाना आपने दे दिया है बेपर्दगी का और हर एक चीज का। मोबाइल दीजिए जरूरत है, अगर तालीम के सिलसिले में अगर जरूरत है दीजिए, लेकिन उसकी निगरानी कीजिए। मर्द अगर खर्चे का निगरान है तो औरत घर की निगरान है, बच्चों की निगरान है। आपसे सवाल किया जाएगा, ख्वातीन से सवाल किया जाएगा पूरे घर के बारे में। और मर्द हजरात उनसे सवाल किया जाएगा औरतों के बारे में। आप दीनदार थे, आप नमाजी थी, आपकी औरत नमाज नहीं पढ़ती थी। हमारा माहौल, हमारा घर जब तक इस्लामी नहीं होगा, जब तक कि हमारी औरतें, हमारी माएँ, हमारी बहनें इस्लामी नहीं होंगी। कुरान और हदीस की झलक नहीं पाई जाती हमारे घरों में,
ना हो तो शादी ब्याह में आके देख लीजिए, खतने में देख लीजिए, अकीके में देख लीजिए, तमाम सुन्नतों की धज्जियां उड़ाने वाले हम नमाज नहीं पढ़ते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नमाज को रिश्ता जोड़ा है। बहुत से हजरात अपने काम में मसरूफ रहते हैं, नमाज चली गई नमाज चली गई, चाहे मर्द हो जाए ख्वातीन। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा में एक आयत नंबर 132 में इरशाद फरमाया है, वअमुर अहलुका बिस्सलात वअमुर अहलुका बिस्सलात वस्तबिर अलैहा। ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनिए, आप अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए, वस्तबिर अलैहा खुद भी उस पर कायम रहिए। ऐसा नहीं कि आपने कह दिया खुद नहीं किया, लिमा तकुलुना मा ला तफ़अलुन नहीं होना चाहिए। आप नमाज का हुक्म दें पहले आप पढ़ें। हमारे घरों में नमाज तब तक कायम नहीं होगी जब तक कि हम नमाजी नहीं होंगे। ला नसअलुका रिज़्क़न हम तुमसे रिज़्क नहीं मांगते, नहनु नरज़ुकुका हम तुमको रिज़्क देते हैं। नमाज के चक्कर में, रोजी के चक्कर में नमाज छोड़ रहे हो, हम तुमसे रोजी नहीं मांग रहे हैं, हम तुमको रोजी देने वाले हैं। मैंने जो कहा है वो क्यों, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कह रहा है कि मैं जो कहता हूँ वो करो, मैं तुमको रिज़्क दूंगा, तुमसे रिज़्क नहीं चाहिए। वल आक़िबतुल तक़वा आक़िबत तो तकवा वालों के लिए है, अच्छा अंजाम ये परहेजगारों के लिए है। वाक़िम नस्सलात क्या करना है, हमारी ख़वातीन को घर में टिकना है, पर्दे से रहना है, ज़ेब व ज़ीनत सिर्फ मर्द के लिए, माफ़ कीजिएगा हमारे ही पैसे से, हमारे ही गाढ़ी कमाई से महंगे महंगे कपड़े, महंगा महंगा मेकअप लेकर के दूसरों को खुश किया जा रहा है, ये कहाँ का इंसाफ है, ये कहाँ का इंसाफ है। शादी बारात में, शादी ब्याह में आदमी जाता ही क्यों है, ये रस्म रिवाज क्या है। जितना हमारी घर की औरतें, ख़वातीन, माए बहनें रस्म रिवाज की पाबंद हैं, ये चलता आया है, ये ऐसे घुमाना है, वहाँ पैसे डालने हैं, ये ऐसे करना है, ये तो रस्म है, ये तो रिवाज है। इतनी पाबंदी कुरान और हदीस की, अल्लाह उसके रसूल की कर लें, अगर अल्लाह की वलियाँ बन जाएंगे, अल्लाह इनसे मोहब्बत करने लगेगा हमारी ख्वातीन से, अगर रस्म व रिवाज की पाबंदी जितनी करती हैं उतनी कुरान और हदीस की पाबंदी करने लगे, अल्लाह उसके रसूल की पाबंदी करने लगे। हमारे बच्चे आज बिगड़ रहे हैं, हमारी बच्चियां आज गैरों के पास जा रही हैं, वजह क्या है, तरबियत ही नहीं है, ना हमारी ना हमारी वालदेन की, ना हमारी माओ बहनों की, ना ही बच्चियों की। अब फिर मुखी खानी पड़ती है, फिर तमाचा जब पड़ता है बच्चों के जरिए से, वो ऐसा होता है कि समाज रस्म रिवाज तोड़ताड़, ऐसा है कि नहीं है, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं कि मैं हवाई बातें कर रहा हूं। हमारे घरों की सलाह होनी चाहिए, कैसे, पहले तो खुद से। हमारे ख्वातीन के बारे में जो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियों को कहा है, वो हमारी औरतों पर, बच्चियों पर, माओं पर, बहनों पर लागू होता है। वकरना फी बुयूतकुन्ना तुमको घरों में बैठना है, तुमको घरों में बैठना है, घर की मलिका हो तुम, घर की रानी हो, बाहर की नौकरानी नहीं हो तुम, समाज की रस्म और रिवाज के गुलाम नहीं हो तुम, अल्लाह की गुलाम हो, अल्लाह की बंदियां हो। तुम रस्म और रिवाज की पाबंदी करती हो, अगर तुम अल्लाह उसके रसूल की पाबंदी कर लो बातों की, अल्लाह की वलिया बन जाओ तुम। तुम्हारे वतन से इमाम बुखारी, इमाम मुस्लिम जैसे लोग पैदा होने लगे। आज माशरा अच्छे उलमा से खाली क्यों है, घी से डालडा नहीं बनता, घी से घी बनता है, और डालडा होगा तो डालडा ही निकलेगा। आप आम के पेड़ लगाएं और फिर वहां से अमरूद की तवक्को करें, भूल जाइए, आम के पेड़ में आम निकलेगा, अमरूद के पेड़ में अमरूद निकलेगा, आपकी नस्ल से, आपके जैसे हमारे से लोग निकलेंगे। अगर हम सही हो जाए, हम दुरुस्त हो जाए, हम इस्लामी हो जाए, हमारा माहौल इस्लामी हो जाए, हमारे बच्चे इस्लामी हो जाएंगे, इंकलाब आ जाएगा। हम अपना घर सिर्फ सही कर लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले जिम्मेदारी यही है कि खुद अपने आप को जहन्नम की आग से बचाएं, क्यों, शैतान आपके ईमान को उचकना चाहता है,
शैतान आपको ईमान पर रखना नहीं चाहता है, आपका मजबूत ईमान जो है उसको डगमाना चाहता है, उसको हिलाना चाहता है, उसकी जड़ें खोद देना चाहता है। इस्लाम ईमान वो शैतान ने अल्लाह रब्बुल आलमीन से वादा कर रखा है कि किसी भी मोमिन किसी भी मुसलमान को हम ईमान पर टिकने नहीं देंगे। अब वो अपनी कोशिश में गामजन है, लगा हुआ है। हमारे घरों की सलाह हमारी ख्वातीन है। उसके बाद की आयत वाकिन सलाह के बाद है वह आतीन जक़ात, जक़ात देने वाली बन जाए, जेवर इकट्ठा करने वाली नहीं। कि आज हम पड़ोसन के पास गए थे, उन्होंने तो गोल्ड चैन ले ली है, उन्होंने इतनी बड़ी बड़ी पायलें ले ली हैं, उनके पास इतना बड़ा हार है, हम शादी में गए तो इतने बड़े बुंदे देखे हमने उसमें। क्या होता है, ये सही शादियों में होता है। और फिर आकर के घर में अपने खाविंद को अपने शौहर को परेशानी में डालती हैं। फिर हलाल कमाने वाला हराम की तरफ बढ़ जाता है, कंप्रोमाइज नहीं कर पाती हैं औरतें। जब शादी ब्याह में जाएंगे तो वहां तमाम तरह के समाज के लोग आते हैं, अमीर भी आते हैं, गरीब भी आते हैं, फकीर भी आता है, बादशाह भी आता है। फकीर देखता बादशाह को, बादशाह देखते फकीर को, अब सोचते हैं कि हम एक जैसे हो जाएं। उनके पास तो ये है, उनके पास तो वो है, ये तमाम ख्वाहिशात क्या करती हैं, शौहर को हराम कमाने पर उकसाती हैं। शौहर बेचारा जो हलाल कमाता था, रोजी रोटी की तलाश में रहता था, वो क्या कह रहा है कि मेरी बीवी की ख्वाहिश पूरी नहीं हो रही। वो कह रही कि ऐसा ऐसा घर होना चाहिए, हम उनके घर गए थे ऐसा देखने को मिला, हम उनकी शादी में गए थे ऐसा मिला। क्या करती है, मर्द को टॉर्चर करती है, ऐसा मर्द को टॉर्चर करती है कि वो 10-10, 11-11 बजे रात तक होटलों पे टाइम पास करता है। क्यों, घर जाएंगे वही चिक चिक, वही खिटपिट। बेहतर ये है कि दोस्तों में टाइम पास करें। और फिर कहीं से उसको अगर रॉन्ग नंबर भी आ जाता है शौहर के पास तो बहुत मोहब्बत से बात करता है। क्यों, घर में मोहब्बत नहीं मिल रही, घर में मोहब्बत नहीं मिल रही, घर में ख्वाहिशात के खिलाफ काम हो रहा है। हमारी ख्वाहिशात को, हमारी मेहनत को रोन करके ज्यादा ख्वाहिश वाली चीजें, ज्यादा बढ़ चढ़ के हमारी औकात से भी ज्यादा चीजों की फरमाइश हो रही है। तो इस घर से जाने से बढ़िया है कि होटल में चाय पी लो, दोस्तों के साथ टहल लो, मटर गस्ती कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो। लोग घर में खाना नहीं खाते, क्यों, होटल पे खाने पे, खाने की टेबल पे मुतालबात होते हैं, मुतालबात होते हैं, सब जानते हैं हम लोग कि उनका बच्चा वहाँ फाड़ा पड़ता है, उनके पास ऐसे जूते हैं, ऐसे कपड़े हैं, ऐसा है वैसा है। भैया वह आती ना ज़कात, ज़कात देने वाली हो, माल इकट्ठा करने वाली ना हो। बहुत छोटा निसाब है ख्वातीन के लिए, बहुत छोटा निसाब, अगर उस पर अमल कर लें जन्नत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ज़कात देने वाली हो, जेवरात इकट्ठा करने वाली ना हो, ज़कात देने वाली। हमारी ख्वातीन के ज़कात देती हैं, माल इकट्ठा करती हैं, कंपटीशन करती हैं कि इनके पास 2 तोले की है तो मेरे पास 4 तोले के होने चाहिए, बड़ी वाली के पास ऐसा है, छोटी वाली के, ये सब चलता रहता है। इस्लाम नहीं है तो सारी चीज़ें मौजूद हैं। हमारी ख्वातीन दूसरों को खुश करने के लिए, पड़ोसियों को खुश करने के लिए, रिश्तेदारों को खुश करने के लिए, उनको नीचा दिखाने के लिए रस्म व रिवाज और ख्वाहिशात की पाबंद बनी हुई, और कोई उनसे राजी नहीं होता, क्योंकि आपसे बढ़ के भी समाज में लोग, आपसे सब नाराज हो सकते हैं। आप अल्लाह को राजी कर लीजिए, अल्लाह सबको राजी कर लेगा। हमारी ख्वातीन अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन को राजी कर ले, समाज में सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन राजी कर सकता है। और अगर अल्लाह नाराज है तो जमीन भर के भी अगर किसी औरत के पास सोना है वो राजी नहीं हो सकती, उससे समाज राजी नहीं हो सकता। हमारी औरतें कैसी हों, घर में बैठने वाली हों, पर्दे का अहतमाम करने वाली हों, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करने वाली हों, और ज़कात देने वाली हों, और आखिरी बात वो आतीन अल्लाह व रसूल, और अल्लाह रसूल की पाबंदी करने वाली, रस्म रिवाज के ग़ुलाम ना हो कि यहाँ ऐसा चलता था, वहाँ ऐसा होता था, हमारी फूफी के यहाँ, हमारे मामू के यहाँ, या हमारे घर में तो ऐसा होता था। नहीं, इस्लाम जो बताए उस पर आमन्ना और सद्दकना करना कहना चाहिए। अल्लाह रसूल की पाबंदी होनी चाहिए, अल्लाह रसूल से मोहब्बत होनी चाहिए,
तब ये रस्म व रिवाज छूटेंगे, तब हमारा घर इस्लामी बनेगा। बहुत छोटा निसाब बता करके मैं इंशाल्लाह अपनी बात ख़त्म कर लूँगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, इज़ा सल्लतिल मरअतु खमसहा, जब औरत पांच वक्त की नमाज़ पढ़े, व साम शहरहा, और रमज़ान के जो फ़र्ज़ रोज़े हैं रखे, व हसनत फ़र्जहा, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करे, व ताअत ज़ौजहा, और अपने शोहर की फरमाबरदारी करे। कितनी चीज़ें हुई? चार चीज़ें, सिर्फ चार चीज़ों पे अमल करना है, न कमाना है, न कहीं बाहर जाना है। बाहर जाने में हादसात और तमाम लोगों से जो इंटरफेस होता है उसमें हादसात के और गुनाह के ज़्यादा चांसेस होते हैं, लेकिन आपको क्या करना है? पांचों वक्त की नमाज़ पढ़ना। ख्वातीन हमारी सुने, पांच वक्त की नमाज़ पढ़ना है, रमज़ान के फ़राइज फ़र्द वाले रोज़े रखने हैं, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है, और अपने शौहर की बात माननी है, फरमाबरदारी करनी है। क़ीला लहा, तो उससे कहा जाएगा, फरिश्ते कहेंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा कि जिस जन्नत के दरवाजे से चाहो तुम जन्नत में जा सकती हो। इतना बड़ा एजाज़ किसी के पास नहीं। क़ीला लहा उदखिलल जन्नत, तुम जिस दरवाजे से जन्नत में जाना चाहो चली जाओ, सिर्फ चार काम करना है तुम्हें। अपने शौहर की इताअत करना है, जितने में शौहर रखे उसमें राजी रहें, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करना है। और शर्मगाह की हिफाजत के लिए तीन चार चीज़ें आ चुकी हैं पहले ही, कि बात नरमी सनी होनी चाहिए किसी अनजान इंसान से, घर में बैठ करके रहना है, सज संवर करके दावत निकाह या दावत जिना देते हुए नहीं निकलना है, एट्रैक्टिव लिबास बाहर नहीं पहनना है। ये क्या है? ये सब आपकी शर्मगाह की हिफाजत के लिए है। और रमज़ान के रोज़े रखना है, पांच की नमाज़ पढ़ना है, अल्लाह रब्बुल आलमीन कहेगा ए औरत जिस दरवाजे चाह उस दरवाजे से जन्नत में चले जाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको और हमारी ख्वातीन को हमारे सहाबे इकराम और सहाबियात के नक्शे कदम पे चलने वाला बनाए। आमीन।